एक ऐसा देश जहां तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, एक ऐसा देश जहां पर प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है ताकि देश में पॉल्यूशन ना फैले, एक ऐसा देश जिसको खुशहाल देश भी कहा जाता है, एक ऐसा देश जहां पर किसी जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा दी जाती है, एक ऐसा देश जहां पर बिजली इंडिया का टाटा ग्रुप प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे खुशहाल देश भूटान की। जी हाँ दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश भूटान एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि भूटान यकीनन बहुत छोटा देश है जहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 9 लाख की है, लेकिन ये देश छोटा होने के बावजूद भी कभी किसी का गुलाम नहीं बना। दोस्तों, दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है भूटान, जहाँ विकास का अर्थ खुशियों से है। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी खुशहाल जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके विकास का मापदंड ही खुशियाँ है। एक ऐसा देश है जहाँ कोई व्यक्ति भिखारी नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति बेघर है। यहाँ के लोगों को टीवी और इंटरनेट की कोई परवाह नहीं क्योंकि यहाँ के लोग सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट और टेलीविजन को यहाँ साल 1999 में इजाजत दी गई थी। जी हाँ, भूटान के एक तरफ जहाँ चीन है, वहीं दूसरी तरफ है हिंदुस्तान और तिब्बत। हिमालय की गोद में बसे हुए भूटान की राजधानी है थिम्फू। यहाँ की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट है तो बाकी 24% हिंदू। दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि भूटान के लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, मतलब कि वहाँ के लोग अपने पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर मुश्किल कोशिश करते हैं। यहाँ पेड़ लगाना काफी लोकप्रिय है। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। वाह भाई वाह, क्या बात है। इतना ही नहीं, भूटान की जनता ने राजा और रानी के प्रथम पुत्र प्राप्ति पर पूरे देश में 1,08,000 पौधे लगाकर खुशियां मनाई थी। भूटान का 70% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। साथ ही भूटान से जुड़ी एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी लुप्त प्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। प्लास्टिक की थैलियां यहाँ पर 1999 से ही प्रतिबंधित है और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैरकानूनी है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। एक और बात शायद आपको पता नहीं होगी कि भूटान देश का नाम भूटान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केवल इंग्लिश में इसे भूटान के नाम से पहचाना जाता है। इस देश का स्थानीय नाम है ड्रुक्युल, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। भूटान विश्व के अद्भुत देशों में से एक जाना जाता है, पर क्यों? क्या कभी आपने किसी ट्रैफिक पुलिस को अपने पारंपरिक नृत्य के द्वारा चलते ट्रैफिक को गाइड करते देखा है? शायद नहीं देखा होगा। लेकिन आपको बता दें कि भूटान की राजधानी थिम्फू में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई है, इसके बावजूद बड़ी आसानी से ट्रैफिक यहाँ पर चलता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भूटान में भगवान बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर जिंदगी को जिया भी जाता है। यहाँ के लोग बेहद शांत स्वभाव के होते हैं, लड़ाई झगड़े का यहाँ कोई कल्चर नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दे कि भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर प्रकार के फंक्शन को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब यहाँ के लोग डांस परफॉर्मेंस देते हैं तो सभी टूरिस्ट देखते ही रह जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के कलरफुल कपड़े, सर पर एक अलग किस्म की पगड़ी। यहाँ का चार्म डांस काफी लोकप्रिय है। दोस्तों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर स्थानीय लोग ना सिर्फ किसी त्योहार में डांस परफॉर्मेंस देते हैं, बल्कि टूरिस्टों के लिए भी ये मनोरंजन का साधन बनते हैं। यही लोग तो भूटान की टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, सैलानियों के बीच भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है, और ये देश सैलानियों को कई रहस्यमय चीजों से भी रूबरू करवाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन परमिट जरूर लेना पड़ेगा। इसकी एक वजह यह है कि भूटान की अपनी कोई अलग सेना नहीं है। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोग देश भी भारत ही है। इस देश का मुख्य निर्यात बिजली है और भारत के टाटा ग्रुप द्वारा पूरे भूटान में बिजली प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सेवा और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों,
भूटान के बारे में अजीब सी बात ये भी है कि यहाँ लड़कों के बदले लड़कियों को संपत्ति दी जाती है। यहाँ आमतौर पर महिलाएं ही मुखिया होती है और महिलाएं ही दुकानें और व्यवसाय भी चलाती है और खेतों पर काम भी करती है। दोस्तों, भूटान की एक और चीज जो भूटान को खास बनाती वह है यहाँ का खान पान। तीखी मिर्च के साथ तेज मसालों का इस्तेमाल यहाँ की ज्यादातर डिशेज में किया जाता है। यहाँ खाने पीने के तमाम विकल्प मौजूद है, जैसे कि होंटी, ईमा दापसी, खुडली आदि। दोस्तों, अब हम आपको रूबरू करवाएंगे भूटान की वह सारी जगहों से जहाँ जाकर आपका मन सुकून से भर जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम थिम्फू की। राजधानी और भूटान का सबसे बड़ा शहर है थिम्फू। ये शहर वांगचू नदी के किनारे समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है और शहर के केंद्र में 4 समानांतर सड़कें हैं। यहाँ मुख्य बाजार, होटल, रेस्टोरेंट्स, शासकीय कार्यालय, स्टेडियम और खूबसूरत बगीचे आपका मन मोह सकते हैं। ये भूटान की एक ऐसी जगह है जिसे अपने एक नाइट लाइट के लिए भी जाना जाता है। थिम्फू देश की एक ऐसी जगह है जो आज भी भूटानी परंपराओं पर कायम है, क्योंकि इसमें बुद्ध भगवान की कई वास्तुकलाओं का संग्रह आज भी मौजूद है। दोस्तों, दूसरी है पारो। पारो भूटान का तीसरा सबसे बड़ा शहर और पर्यटन के लिहाज से पहले नंबर पर आता है, जो नदी के किनारे बसा हुआ है। भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा पारो में ही है। 155 मंदिरों और मठों का घर ये शहर भारी संख्या में दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भूटान के प्रतिष्ठित मठों में से एक है टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री, जो पारो शहर में एक चट्टान पर स्थित है। जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ आकर लोग घंटों तक ध्यान करते हैं। पहाड़ों के बीच बना हुआ ये मॉनेस्ट्री देखने में बहुत खूबसूरत है। हालांकि पहाड़ों के बीच से निकलकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। इसके अलावा पारो में विक्रांत मार्केट में आपको भूटानी परंपरा के लिहाज से सभी चीजें मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं हाव वैली की। दोस्तों, हाव वैली पारो से 67 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह कुदरत के दिलकश नजारों से भरपूर है। यहाँ पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके पर्यटकों का स्वागत करते हैं। यहाँ की पहाड़ियों में रंग बिरंगी लहराती पताकाएं इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाती। ये शहर प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है और इसकी पतली आबादी वाले घाटी क्षेत्र के साथ ये स्थान आपको शांत महसूस कराएगा। अब बात करेंगे पुनाखा की। पुनाखा भूटान का एक प्रमुख शहर है, जो समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर मुछू नदियों के किनारे बसा हुआ है। पुनाखा भूटान की पहली राजधानी रही है और यह थिम्फू से 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस कुछ ही किलोमीटर में फैला इस शहर का शांत माहौल आपका मन मोह लेगा। आपको बता दें कि यह जगह माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। इसके अलावा यहाँ भूटान का सबसे लोकप्रिय साहसी खेल रिवर राफ्टिंग मुछू नदी में किया जाता है। पुनाखा शहर में स्थित पुनाखा जोंग भूटान का सबसे बड़ा और प्रमुख बौद्ध मंदिर भी माना जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।